हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम एमडीयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, द 2006, 3, 4, 5, 17, 16, 18 में आए हुए हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में से आपके लिए ढूंढे हैं कि भाई कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड यूनिट के लिए। हमारी यूनिट फर्स्ट है इलास्टिसिटी, ठीक है, और पेपर फर्स्ट, ठीक है, स्पेशल एमडी वाले बच्चों के लिए है ये वैसे तो, लेकिन जो और मतलब यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट सभी में सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इसको देखिए और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, डिराइव द रिलेशन अमंग द इलास्टिक कॉन्स्टेंट वाई के नीटा एंड न्यू। ठीक है, तो इसमें देखिए एमडीयू 2014, 2004 एंड 2006 में आया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा प्रूव दैट वाई इज इक्वल्स टू 3K1 - 2σ। तो ये क्या है, एमडीयू 2013, एमडीयू 2009 में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, बट क्या है अलग अलग वो दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। अगर रिलेशन बोलते हैं कि इन चारों के बीच में भाई रिलेशन दीजिए, तब भी यही क्वेश्चन बनता है, लास्ट में यही प्रूव करना होता है। और अगर ये क्वेश्चन देते हैं कि भाई ये डायरेक्ट प्रूव कीजिए, तब भी यही होता है। ठीक है, मैं आपको इसकी वीडियो दे दूँगी, मैंने इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आया हुआ ये। ठीक है, तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, हम 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही है ये भी। तो फिर आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ना मत, इसको अच्छे से देखना। ठीक है, मेरी वीडियो में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे साथ साथ, तो आप वहाँ से तैयारी कर लेना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे वहीं से। ठीक है, और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो मैंने फर्स्ट पार्ट था मैंने उसमें भी ये करवाया था, बाकी मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि कब कब आए हुए ये। एमडी 2005, एमडी 2007, एमडी 2008 में भी आया हुआ है ये। ठीक है, और 17, 18, 19 और जो 20 वाले हैं ना, वो मेरे को अच्छे से याद नहीं है कि कौन से में आया हुआ है, लेकिन उनमें से भी ये आया हुआ है और ये वाला भी आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो 19 में, 18 में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हुक्स ला क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, इसका फर्स्ट पार्ट देखना आप, जिसमें मैंने क्वेश्चंस पेपर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसमें देखना, मैंने सबको अच्छे से डिफाइन किया है। उसके बाद में डिफाइन हुक्स ला एंड रिलेटेड टर्म्स, मैंने आपको बताया था कि जो हुक्स ला है हुक्स ला पे ही बेस है, क्या यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग लिमिट, ब्रेकिंग स्ट्रेस या कोई भी चल रहा है हमारे पास, जैसे कि कौन सा शियर स्ट्रेंग आ गया, यंग्स मॉडुलस आ गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, हुक्स ला पे डिपेंडेंट है। तो आप क्या करना कि वहाँ से आप पहले हुक्स ला को डिफाइन करेंगे, हुक्स ला क्या होता है, हुक्स ला क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उसके बाद में हमें कॉन्स्टेंट मिलता है, हम उस कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये भी एमडी 2005, 7, 8 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन 8-8 मार्क्स के बनते हैं हमारे पास, 8 के नहीं तो 6 के बनते हैं, क्योंकि देखो इसमें 3 डेफिनेशन एक साथ पूछ ली तो 2, 4, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आप इनको अच्छे से करोगे बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, डिफाइन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको ये करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो डिफाइन यंग्स मॉडुलस आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता है, बल्क मॉडुलस भी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो भी आपको पता है ना, इसको कैसे डिफाइन करना है, सभी के सभी हुक्स ला पे डिपेंडेंट है और हुक्स ला से रिलेटेड टर्म्स है ये सारी की सारी। उसके बाद में इनके बीच में रिलेशन, इसने इसके साथ इसकी रिलेशन भी पूछ ली, तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का बनेगा आपका, ये क्वेश्चन बनेगा 8 मार्क्स का, क्योंकि देखो जो रिलेशन ये वाली रिलेशन है वाई इक्वल्स टू 3K1 - 2σ, यही रिलेशन आपको डिफाइन करनी है। आप पहले सबको आप डिफाइन करोगे अच्छे से, उसके बाद में आपको रिलेशन डिफाइन करनी है, तो आपको कम से कम कितने पेजों में बनेगा ये, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 पेजों का आपका क्वेश्चंस बन रहा है, कम से कम आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आप अच्छे से सभी टर्म्स को अच्छे से याद करके जाना, बिकॉज क्या करते हैं एक एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखना, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन एट द फ्री लोडेड एंड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, ये एमडीयू 2017 में आया हुआ है।
ठीक है, या 17, 18, 19 में भी किसी में से आया हुआ है, मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन लिखोगे किसके लिए, डिप्रेशन एट फ्री इंड। मैंने आपको करवा रखा है कि फ्री इंड के लिए भी, कैंटिलीवर का मैंने करवा रखा है आपको, मेरी जो प्ले लिस्ट है इलास्टिसिटी वाली उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, डिस्कस बेंडिंग ऑफ बीम, बेंडिंग ऑफ बीम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है, डेफिनेशन लिखवा रखी है आप लोगों को कि बेंडिंग ऑफ बीम क्या होती है, एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड इट्स सेंटर। उसके बाद में कैंटिलीवर की हमारे पास जो डेरिवेशंस है, डेफिनेशंस है, उसमें एक वो वाला भी करवा रखा है जिसमें क्या हो गया, जो वेट है वो हैंग है, कहाँ पर हैंग हो रखा है, वो मिडल में, ठीक है, मिडल में बोले तो सेंटर में हैंग हो रखा है उसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस बेंडिंग ऑफ बीम एंड ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड एट इट्स सेंटर, ठीक है बच्चों। पांच क्वेश्चन है ये मैंने, ठीक है बच्चों, तो ये पांच क्वेश्चन है जो मैंने ढूंढे आप लोगों के लिए, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एमडीयू के लिए डिफाइन था तो मैंने एमडीयू यहाँ पर लिख दिया है, बट आप लोग इसको कीजिए ये क्वेश्चन, तो मतलब फर्स्ट यूनिट अगर आप कर रहे हैं ना तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कीजिए, आप अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे, ठीक है। मैंने ढूंढे आप लोगों के लिए, आपके लिए अच्छे रहेंगे ये, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और पीडीएफ नोट्स चाहिए ना तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको अच्छे से मतलब नोट्स मिल जाएंगे जो आप पेपर में लिख के आ सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं मैंने जो आप पेपर में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भी सभी यूनिट्स के, आपके तीन यूनिट्स हैं ना, तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, साथ में सॉल्यूशन भी बता दूंगी आप, जिससे आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकोगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चंस पेपर भी करवा दूंगी मैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।